हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाएंगे रगड़ा चाट। एकदम रोड स्टाइल है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ओवरनाइट सोक्ड किए हुए मटर। आप मटर को कम से कम 6 घंटे के लिए भी सोक करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे हमारा सोक्ड किया हुआ मटर। पानी के साथ डालेंगे चॉप्ड पोटैटोस, थोड़ा सा नमक एंड हल्दी पाउडर। तो ये बस इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे और जल्दी से चलिए लिड लगा लेते हैं और इसे पकाते हैं 3 सीटी आने तक। जैसे 3 सीटी आ जाए तो इसे साइड रख लीजिए। तो चलिए अब चटनी बनाते हैं। उसके लिए हमें लेना है टमाटर, जीरा पाउडर, सॉल्ट, लेमन, जिंजर, गार्लिक और मसाला, जैसे कि चाट मसाला, आमचूर, रेड चिली पाउडर और शुगर। तो चलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम डालेंगे मिक्सी जार में। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ टोमेटोस चॉप। मैं यहाँ 2 बड़े टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अब चलिए डालते हैं इसमें चीनी और मसाला, जैसे कि हमारा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप चाट मसाला स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ चलिए डाल लेते हैं जीरा पाउडर। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ और सॉल्ट डालेंगे एज़ पर योर टेस्ट। साथ ही साथ डालेंगे यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप जिंजर गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा लेमन जूस और लिड क्लोज करके इसे ग्राइंड कर देंगे फाइन पेस्ट में। चलिए जल्दी जल्दी चाट बना लेते हैं। तो सबसे पहले पैन गरम करेंगे, डालेंगे तेल, इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स जीरा और थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसके साथ साथ डालेंगे ऑनियंस चॉप्ड और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक ऑनियंस ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही ऑनियंस अच्छे से पक जाएगा, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, आपको डालना है वो चटनी जो हमने प्रिपेयर किया था। याद है ना, प्रिपेयर किया था ना, सेम वही चटनी आपको यहाँ पे यूज़ करना है और इसे पकाना है जब तक हमारा चटनी थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, थिक नहीं हो जाता। जैसे ही वो थिक हो जाए तो आप डालेंगे इसमें टोमेटोस चॉप्ड, और टोमेटोस को आप तब तक कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम में कुक कीजिएगा और तब तक कुक करिएगा जब तक ये ग्रेवी में अच्छे से मिल नहीं जाता, सॉफ्ट सा, मुशी सा नहीं हो जाता। चलिए अब डालेंगे मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। इसके साथ साथ हम डालेंगे यहाँ पे बॉइल्ड किए हुए, मैश किए हुए पोटैटोस। तो आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ग्रेवी में। अगर आपके पास मैशर है तो अच्छे से पोटैटोस को मैश कर लें। इससे क्या होगा, आपका जो रगड़ा चाट है ना, एकदम स्ट्रीट स्टाइल लगेगा, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त। तो चलिए हमने अच्छे से मैश कर लिया पोटैटोस को। अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारा जो बॉइल्ड किया हुआ, कुक्ड किया हुआ मटर था ना, उसे पानी के साथ और इसे भी अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड कर लें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं जब तक कि बॉयल नहीं होता। जैसे बॉयल होना शुरू हो जाए, आप डालें इसमें चाट मसाला और इसे कुक करें जब तक कि और अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि आपका रगड़ा थोड़ा सा थिक हो जाएगा, थिक होने से वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल जैसा लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम डालेंगे यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड और चलिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। तो चलिए सर्व करने का तरीका बताती हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सजा रही हूँ, सर्व कर रही हूँ सेव, ठीक है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल लुक भी तो आना चाहिए। तो चलिए साथ ही साथ डालते हैं कुकुम्बर चॉप्ड, खीरा चॉप्ड, साथ ही साथ टोमेटोज चॉप्ड और थोड़ा सा कैरेट ग्रेटेड, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ तीखापन के लिए ग्रीन चिलीज चॉप्ड यूज़ कर रही हूँ और कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड, ठीक है। इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स और इसे भी अच्छे से सजा दूँगी बीच बीच से और डालूँगी लेमन जूस। तो जी, बन गई आपकी रगड़ा चाट।